तो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। मुसाफिर भैया आप लोगों को लेके आ चुके हैं लुधियाना की आप लोगों की फेवरेट जगह, जहाँ के लिए आप लोग मेरे को रिकमेंड कर रहे थे। मुसाफिर भैया एक बारी मोंगा टायर्स होके आओ। तो मोंगा टायर्स का ये विशाल एम्पायर जो है ये आप लोगों के सामने है। हमारे साथ है मोंगा टायर्स से हमारे सर। सर चाहूँगा एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग पहले सबको जी, मैं पारुल चावला, मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट मैनेजर हेयर। तो आज भैया जी आए हैं जी स्पेशल के, हाँ भी आज हमने मोंगा टायर देखना है। तो भाई होता क्या था, मेरे को ना बहुत सारे बार कमेंट्स में ये आता था, भैया यू विजिट मोंगा टायर्स, आपको मोंगा टायर्स एक बार ज़रूर जाना चाहिए, आप लोगों को चेक करना चाहिए कि वहाँ पर क्या चीज़ अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी और इनकी कलेक्शन जो है वो थोड़ी हटकर है। भाई पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोंगा टायर्स के बारे में बताना चाहूँगा। अब मैं जितनी नॉलेज अभी तक गेन कर सका हूँ लुधियाना में रह के, भाई ये आप लोगों का हाईवे का सबसे बड़ा किंग है, क्योंकि एलॉयस को मतलब पूरे पंजाब में इंडिया में लाने वाले मोंगा थे क्या, ऐसा थोड़ा बताइए सर थोड़ा सा। बेसिकली मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड एक 34 ईयर्स ओल्ड फर्म है। ये पंजाब में जब अलॉयज एंड टायर्स का जो बिजनेस शुरू किया है वो मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ही किया है। इट्स द ओल्डेस्ट फर्म इन पंजाब एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम है फॉर अलॉयज एंड टायर्स, जो कि लुधियाना पंजाब में ओपोजिट हीरो साइकिल्स लिमिटेड नेशनल हाईवे जीटी पर है। भाई साहब सर ने एक ही पूरी सांस में आप लोगों को सब कुछ बताया। अब आप लोगों ने एक ना वर्ड सुना होगा, अगर जितने भी लोग मेरे करोलबाग वाले देख रहे हैं या मेरे दिल्ली के कहीं के बंदे देख रहे हैं या कहीं से भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा प्लाटी। भाई मैंने प्लाटी का एलॉय डलवाया, मैंने प्लाटी का ये डलवाया, मेरे को प्लाटी का स्टार पसंद है। सर प्लाटी है क्या सर? बेसिकली प्लाटी एक ताइवान ब्रांड है जिसको हम ब्रांडेड अलॉयज बोलते हैं, ये चाइनीज ब्रांड नहीं है एंड वी आर द ऑथराइज डीलर फॉर ऑल ओवर इंडिया इन प्लाटी ब्रांड। भाई साहब मतलब इतनी सी बात आप लोगों को जो है ना सर ने बड़े इन्फॉर्मेटिव तरीके से समझाई है। आज की वीडियो में धमाका होने वाला है, अगर आप लोग लुधियाना आ रहे हो डेस्टिनेशन आपका सेट हो चुका है। मैं क्या दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को आने वाला है क्योंकि जो आप लोगों ने पूरा ये एम्पायर चेक किया इसको मैं चेकआउट कराऊंगा। राइट हैंड साइड में आप लोगों का पूरा अलाइनमेंट और उस सब चीजों का प्रोसेस चलता है। यहां पर आप लोगों की बड़ी छोटी लंबी गाड़ियां जो है लगाई जाती है। थोड़ा सा मैं पर्सनली दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप लोगों का अलाइनमेंट वर्क का जो है पूरी चीजें यहां पर चलती है। जो मशीनरी यहां पर लगी है वो हंटर की है, जिन जिन लोगों को पता होगा भाई ये टेक्नोलॉजी वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजीज है। और ये गाना जो बज रहा है वो इसलिए बज रहा है क्योंकि हम लोग मेन हाईवे के सामने, तो आप लोगों को खोने का तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक है तो सर अब एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को समझाओ सर कि आपके पास कैसे पूरी वर्किंग आप लोग करते हो। फर्स्टली वेलकम टू द एम्पायर। बेसिकली ये हमारा अलॉयज एंड टायर्स का बहुत ही बड़ा एक एम्पायर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। करेक्ट। एंड यहाँ पे हमारा जो कस्टमर क्या बिलिंग सेक्शन एंड ऑल है, तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मतलब लिटरली यहाँ पर आई गेस जो अलॉय साइज है छोटे सर यहाँ पर। हाँ यहाँ पे बेसिकली 12, 13, 14, 15, 16 इंचेस, जो एक रेगुलर कस्टमर रेगुलर कार्स में स्विफ्ट वगैरह अलॉय स्विफ्ट में हो गए, हुंडई की गाड़ियों में हो गए, जो नॉर्मल एक कार्स में चलते हैं वो सारा सेक्शन हमारा यहाँ पर है। मैं सर जरा टायर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट फेवरेट ब्रांड है ये है योकोहामा, इसका अर्थ वन एस ड्राइव, जितने लोगों को इसके बारे में पता है वो लोग जानते हैं इसके बारे में। अभी आ गए ब्लू अर्थ, आ गया जियोलैंडर, आ गया तो बहुत वैरायटी। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लग गई है। ठीक है यहाँ पर आप देखोगे योकोहामा फैल्कन के भी वहाँ पर टायर्स। इसके बाद एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हम जो है कौन कौन से ब्रांड के ऑथराइज डीलर है सर? मोस्टली हम मेनली सारे ब्रांड्स के ही ऑथराइज डीलर है, जिसमें आप ले सकते हैं योकोहामा है, गुडियर है, फेडरल है, फैल्कन है, प्रेली है, हैंकुक है, जो मेजरली ब्रांड्स सीएट है, अपोलो है, जो भी आप ब्रांड्स कहते हैं वो सारे ब्रांड मेरे पास इन हाउस इन एवरी साइज अवेलेबल है। वेरी नाइस। तो सर थोड़ा सा मेरे को दिखाओगे वो कहाँ पर है हमारी, क्योंकि आज हमारे पास गाड़ियाँ कौन सी पहले ये बताओ। बेसिकली जो अब मार्केट में है मेरे पास जो आज गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, एक साइड पर फॉर्च्यूनर और एक साइड पर मैं आपको दिखाऊंगा क्रेटा। ठीक है सर। एंडेवर जब से बंद हुई है, फोर्ड बंद हुई है, उसके बाद क्या है जो फॉर्च्यूनर की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और बहुत कस्टमर्स की ये डिमांड आती है कि हाँ भी हम फॉर्च्यूनर में क्या लगा सकते हैं। वेरी नाइस। क्रेटा जो है वो भी आज की टॉप मोस्ट कार इन इंडिया है कि हाँ भी उसमें
उसमें भी हम क्या स्कूल को दिखाते हैं, आज मैं आपको वो सारा दिखाऊंगा। वेरी नाइस। तो मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज बताना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी आवाज आ रही हो प्लीज माइंड मत करना, ये इनका पी कार है और इनका पी कार हमेशा रहता है जितना मुझे पता है। तो सर मेरे को ना वहां ले चलो जहां पर 20 और 22 की दुनिया हो। जी ठीक है, तो एक बारी भाई आप लोग हमारे साथ चल पड़ो, यहाँ पर आप लोग कलेक्शन ऑन अ गो चेक भी कर सकते हो। तो जो फॉर्चुनर है उसके लिए जो साइज सर ऑप्ट कराने के लिए मेरे से बात कर रहे थे कि कौन से अलॉय साइज के लिए हम जाएंगे, सर 20-22 है वो, 20 और 22 का रहने वाला है। यहाँ से आप लोगों का जो है ऊपर जाने का ये रास्ता बनता है, आप लोग चाहो तो एलिवेटर से भी जा सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों के लिए ऑन अ गो बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो है, ये हम लोग ऑन अ गो रख रहे हैं हमारे साथ जो भी और भी ट्रेवल कर रहे हैं। और परफेक्ट लिफ्ट है, यानी अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो अगर आपके पैर में कुछ दिक्कत है कुछ भी है तो भाई उसका भी हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा। वेरी नाइस ठीक है। और सर क्रेटा के लिए हमने क्या साइज सोचा है? क्रेटा के लिए जो बेसिक नॉर्मल साइज है दैट वी कैन गो विद 18, क्योंकि टॉप मॉडल में 17 आता ही है। ठीक है, और वैसे 20 भी लग सकता है उसमें, 20 भी लग सकता है, बट बेसिकली क्या है सर 20 रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि उसमें आपको कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो मतलब थोड़ा रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, लेकिन मजे करने वालों के लिए हो सकते हो, गेड़ी शेड़ी लीजिए गड्डी चाहिए है तां तुसी ओदे विच क्रेटा दे विच बीच ही पा सकते हो, बट इट्स अ लो प्रोफाइल, रिकमेंडेड नहीं है, आपकी चॉइस है, आप डालने को डाल सकते हो। भाई अब आप लोग यहाँ पर पैराडाइज देखने वाले हो, ओ माई गॉड, अभी आप लोगों को पूरा सिनेमेटिक में दिखाऊंगा, लेकिन लुक एट दिस प्लेस, दिस इज इनसेन, दिस इज क्रेजी। और कहते हैं ना कि एकदम देखते ही आंखें जो है वो फटी की फटी रह जानी कि भैया ये क्या दिखा दिया मेरे को। तो करेंगे एक एक करके बात, जितना मुझे लग रहा है ये 22 इंची है सर, तो पहले 22 से स्टार्ट करें। हम 22 से करते हैं, जो फॉर्च्यूनर में बेसिकली है हम 22 में जा सकते हैं, ये भी एक टॉप मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड इज 20 इंचेस, ठीक है, वी कैन गो विद 22 इंचेस आल्सो। सर क्या पीसीडी रहती है पहले फॉर्च्यूनर की, जो न्यू फॉर्च्यूनर जो न्यू वाली है 139x6 पीसीडी, उसकी 6 होल कार है वो, ठीक है, डेवर भी सेम आती है, फॉर्च्यूनर भी सेम। तो भाई मैं पहले, जैसे मैं आपको हर बारी बताता हूँ मेरा कौन सा सबसे फेवरेट है, पहले आप लोग कलेक्शन चेक करो, ठीक है, सिनेमैटिक में तो पता नहीं, आप लोग पॉज करके इनको फोटो भेज सकते हो। ये सर अपना इसमें भी आ चुका है, मतलब इसमें फॉर्च्यूनर में भी ये वाला स्टाइल अवेलेबल है। वेरी नाइस सर, काफ़ी अच्छा है भाई, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग एक एक करके सब चीज़ों को आप लोग अगर चाहो तो फोटो या स्क्रीनशॉट खींच के भी आप सर के पास भेज सकते हो, जिससे आपको अवेलेबिलिटी के बारे में जो है यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये है आप लोगों की 22 इंची की कलेक्शन फॉर न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर। क्या ये ओल्ड फॉर्च्यूनर के अंदर भी लगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल लगाए जा सकते, बिल्कुल ओल्ड, मतलब वो जो टाइप 2 आती थी, बिल्कुल लगाए जा सकते। तो पीसीडी सेम ही है? वेरी नाइस सर, ये भाई ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर पीसीडी सेम है तो पीसीडी के बाद तो भाई चीज बन जाती है। थोड़ी सी जो ओल्ड वाली है उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ मड फ्लैप का एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, बट हाँ वी कैन गो विद द सेम पीसीडी एंड सेम डिजाइन। भाई मेरे को पर्सनली भाई मजा आ गया यार, अब तो कोई बात नहीं, अभी तो फॉर्च्यूनर नहीं है मेरे पास, जब लेंगे तब उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है सर ने जैसा आप लोगों को बताया था ऑथराइज डीलर है, और मेरे को यहाँ पर ना बहुत सारे ब्रांडेड चीजें देखने को मिल रही है। नीचे आप लोगों ने फैल्कन देखा, उसके बाद आप लोगों ने योकोहामा देखा, ऊपर आप गुडियर देख रहे हैं, तो मतलब फुल जो कहते हैं ना कि एक स्टॉप में आप लोगों का जो है पूरा अलॉय टायर का ब्रांडेड तरीके का काम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सर हम 20 इंचेस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 20 इंचेस फॉर फॉर्च्यूनर, फर्स्ट फॉर्च्यूनर की आपको वैरायटी दिखाता हूं 20 में जो है। ठीक है भाई, ये देखो भाई क्या पैराडाइज है यार, क्या मजेदार जगह है, यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर की, ये नीचे से स्टार्ट है सर। तो भाई देखो भाई साहब क्या बात है सर, जो ये फॉर्च्यूनर के अलॉय व्हील्स होते हैं ये और किस गाड़ी में मतलब लग जाते हैं? कुछ एंडेवर में लग जाते हैं, फॉर्च्यूनर में लग जाते हैं, मोंटेरो में लग जाते हैं, पजेरो में लग जाते हैं, जो भी 6 होल कार 139x6 है उस सब में ये अलॉयस फिट हो जाते हैं। वेरी नाइस भाई, एक बार आप लोग खुद भी जो है यहाँ पर पूरी चीजें ऑब्जर्व कीजिए, जैसा मैंने आपको बोला आप स्क्रीनशॉट वाइज देख सकते हो। ठीक है, तो 20 में क्या मेरा सबसे फेवरेट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे को पर्सनली जो सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है वो ये वाला लगता है, निसान का जो आता है, ये काफी अट्रैक्टिव लगता है, ऑल्दो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, लेकिन हाँ आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक एक कलेक्शन वाइज आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई कि आपको केवल फोटो दिखा देंगे और लगा के नहीं दिखाएंगे, अलॉय व्हील में आप लोगों को पूरा एक एक करके जो है यहाँ पर लगा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भैया 20 और 22 इंची की। अब जैसे कस्टमर आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि यार भैया मेरे को ना रोज केवल 3 किलोमीटर गाड़ी चलानी, 5 किलोमीटर, मेरे को ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस, लेकिन ऑफिस भी अपना ऐसा है कि भाई गेड़ी करते हुए जाना, दुनिया मेरे को मुड़ के देखे, तो उनको क्या साइज रिकमेंड करते हैं? उनको रिकमेंडेशन जो रहेगी वो 20 की रहेगी, बट हाँ अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है या आप सिर्फ गेड़ी शेड़ी मारने के लिए रखते हैं तो वी कैन गो विद 22 एंड वी कैन गो विद 24 ऑल्सो।
चलो ये एक प्लस है, ये प्लस पॉइंट है। तो अभी जो हम लोग नीचे लगा के दिखाने वाले हैं, आपकी पर्सनल कौन सी कलेक्शन है जो आप कह रहे हो कि भैया ये तो मैं चारों एलॉय चारों अलग उसमें लगा के दिखाऊंगा, कौन से रहने वाले? मेरे लिए तो सारे ही बेस्ट है, ठीक है। हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कार पे लेके चलते हैं। करेक्ट, बिकॉज जो एक एलॉय की जो लुक्स आती है वो जब तक कार पे नहीं लगती तब तक यू कांट फील इट। तो हम टायर के साथ लगाएंगे या केवल एलॉय लगाएंगे? पहले केवल एलॉय लगाते हैं, वी विल सिलेक्ट टू एलॉयज, जो बेस्ट टू एलॉयज होंगे उसको हम टायर पे फिट करके जैसे कस्टमर की डिमांड होती है हम वैसे करते हैं। चलो ये तो परफेक्ट हो गया। अगर आप लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर यानी कि आपके पास न्यू वाली फॉर्च्यूनर है 2017 वाली है जिसको आप लोग लेजेंडर किट से अपग्रेड करते हो, उसका भी आप लोगों को एलॉय का पूरा ऑप्शन मिल जाता है। 20 और 22 रिकमेंडेड, जैसा सर ने बताया 22 गेडी वालों के लिए है, 20 जो है वो हाईली रिकमेंडेड है चलाने के लिए, 24 भी है। तो 24 वाली कलेक्शन भी दिखाओगे? तो दिखा दो एक बार 24 वाली। वैसे 24 थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, एक लेवल ऊपर चले जाता है 24 वाला, लेकिन स्टिल आप लोग जो है देख सकोगे। ओ भाई साहब देखो, ये दूर से देखने से पता चल रहा है कि ये 22 नहीं है, ये 24 है। ये आप लोगों को कलेक्शन वाइज लुक्स सो नाइस मैन, दिस लुक्स रियली रियली वेरी अट्रैक्टिव। सर ये सारे लग सकते हैं या फिर कैसे क्या है? हाँ ये मोस्टली लग जाते हैं, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं ये तीनों 26 इंचेस हैं। 26 अरे भाई ये है, पीछे वाले आप देख रहे हैं ये सारे 24 इंच। अच्छा मेरे को वही लग रहा था क्योंकि ये काफी बड़े हैं। 26 सर, 26 कितना रिलायबल है सर? मैं जान इसमें टायर कितना पतला होगा? टायर इसमें 35 प्रोफाइल डलती है सर। ओ भाई साहब इसमें रिलायबिलिटी ये है बेसिकली, अगर आप इसमें जाते तो ये बहुत ही अल्ट्रा लो प्रोफाइल होती है, ठीक है। इसमें आपको गाड़ी, ये मेरे को लग रहा है वही बिल्कुल प्रो गेड़ी वाली चीज है। देख लो भाई आप 26 इंच के लिए भी बोलते हो ना, दिस इज अवेलेबल इन क्रोम, दिस इज बिल्कुल पूरा ब्लैक में, दिस इज काइंड ऑफ आप लोगों का दो है डबल शेड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी 24 है, 26 है, ये 24 है भाई। आप कलेक्शन वाइज चेक कर सकते हो, ठीक है। पॉज करके आप लोगों को थोड़ी चॉइसेस जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को जो है कैसी ये कलेक्शन लग रही है। अगेन 24 इंची 22 इंची ये शॉक वाले अलॉय व्हील्स हैं। अगर आप सोचते हो मैं अपनी फैमिली के साथ शिमला निकल जाऊंगा 24 इंची के अलॉय व्हील लगा के, हो सकता है सर? अगर आप गाड़ी बहुत ध्यान से चला सकते हैं तो हो सकता है, हो सकता है अगर आप गड्ढों से बचा सको, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़े से जो रोड्स है वो आप लोगों को खराब मिलती है, तो इसका एक रीजन है। ये अलॉय व्हील काफी फेमस है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बिल्कुल उनकी गाड़ी के अंदर थार में डाला था भाई, तो ये आप लोगों को याद होगा। तो बढ़िया लगता है भाई, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। सर अब बात करते हैं एलॉय व्हील की क्वालिटी के बारे में। जो एलॉय व्हील हम लोग, जैसे हमारा प्लाटी अपना ब्रांड है, तो ये क्या हम लोग यहाँ पर आके तैयार कर रहे हैं, कैसे वर्किंग करते हैं? नहीं, बेसिकली प्लाटी इज बेसिकली इम्पोर्टेड फ्रॉम ताइवान, ठीक है। ताइवान का ब्रांड है ये, चाइनीज एलॉय नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो बाकी लॉज है वो चाइनीज होते हैं। ये प्लाटी का इसलिए इतना ट्रस्टेड एंड रिलायबल है क्योंकि ये ताइवान इम्पोर्टेड है और वहाँ की क्वालिटी और चाइनीज की क्वालिटी में बहुत फर्क आता है, ठीक है। दीज आर बेसिकली एलपीडीसी अलॉयज, लो प्रेशर डाइकास्टेड अलॉयज, अच्छा, जिनका वेट कम होता है बस स्ट्रेंथ डबल होती है चाइनीज अलॉयज के अकॉर्डिंगली। चलो तो करके इस रिलायबिलिटी में क्या है, बेसिकली अगर आप हमारे पास आते हैं, एक को आपको अलॉयज की क्वालिटी में रिलायबिलिटी रहेगी, एक मोंगा टायर का जो नाम है उसकी रिलायबिलिटी भाई, मतलब मैं अभी मेरे को जितना करेंटली पता है हम लोग एट अ टाइम कभी कभी 100-100 गाड़ियां भी हमारे पास लगी होती है, 100-150 गाड़ियां, ओ भाई साहब। तो मतलब ये एक नाम का एक ट्रस्ट है कि हाँ भी ये काम जो हो रहा है प्लाटी का या जो भी काम हो रहा है वो मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड पे हो रहा है, ठीक है भाई। डन है भाई, ये सर ने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है आई गेस ये आप लोगों को पहली बार सुनने को मिली होगी और काफी इन्फॉर्मेटिव भी है, इसलिए मैंने आप लोगों का शेयर किया। आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि मुझे क्वालिटी देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, जिससे अब जब भी आप एलॉय लगाने आ रहे हो सर को तंग ना करो, सर को बोलो सर ये लगा दो, हमें ये सीधे डायरेक्ट चाहिए। अब सर तंग भी करो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम आपको सारी चीजें जो कस्टमर की डिमांड होती है हम वो सारी डिमांड को पूरा करते हैं, ठीक है। कितने भी एलॉयज आपको, 4 देखने हैं, 6 देखने हैं, 8 देखने हैं, सब दिखाएंगे, सारे दिखाएंगे, वेरी नाइस भाई। तो ये आप लोगों ने जो है यहाँ का ट्रेजर देख लिया इनका। अब जो मेन चीज आती है सर, क्रेटा जैसी गाड़ी जिसके ऊपर 1 साल की वेटिंग है, उसका बेस मॉडल इंसान निकालता है, कहता है भैया इसमें डाल दो मेरी गाड़ी में 18 इंच, कुछ कहते हैं भैया 20 इंच डाल दो, कितना रिलायबल है सर, कितना चलाया जा सकता है? जो क्रेटा की जो टॉप मॉडल है उसमें आता है 17 इंचेस बेसिकली, ठीक है। 17 से वी कैन इजीली गो अप टू 18 इंचेस, ठीक है, हम इंच अप कर सकते हैं, 18 इज द रिलायबल वन, ठीक है। बट हाँ अगर आप 20 जाते हैं तो फिर वही है कि हाँ भी आपको कंफर्ट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम भाई 4 बंदों के साथ बैठ के निकल गए, ऐसा नहीं कि टूट जाएंगे, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि भाई बचा सकोगे आप अगर बड़े गड्ढे पे गई तो, ठीक है, ये करेक्ट बात है। सर 18 का थोड़ा सा कलेक्शन मेरे को दिखा सकते हो? 18 की एक कलेक्शन जो है वो आप लोगों को मैं चेकआउट कराता हूँ। और आप लोगों को मैं इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों की क्रेटा आने वाली होगी, ज़्यादातर लोग आजकल बेस मॉडल तैयार करते हैं इस लाइन से, ठीक है, अलॉयज की देन टू द एंड
जो है 18 है। अच्छा ये सारे 18 है? Yeah. ओ भाई साहब, अब आप लोग देखो भाई यहाँ पर पूरा मैं एक चक्कर चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये आप लोग जो है अपने आप पॉज करके, बहुत स्लो स्लो चल रही होगी वीडियो, ठीक है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक एक एक राइट इन्फॉर्मेशन आ सके। ठीक है भाई, कौन सा आपको कनेक्ट हो रहा है वो बता देना। ये आई गेस इनका स्टॉक है, ये स्टॉक अलकज़ार, ये अलकज़ार का, लेकिन 18 है ये। ठीक है भाई, तो सर क्या ये मतलब जैसे कंपनी के जो ओरिजिनल अलॉय व्हील्स होते हैं, कई सारे लोग मेरे को पता है गाड़ी खरीदी भैया अलॉय व्हील तो समझ नहीं आया तो हमारे पास उतरवा के चलाए, तो क्या ये भी ऑन सेल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ये ऑन सेल अवेलेबल होते हैं, ऑलमोस्ट हर ब्रांड के मिल जाते हैं। वेरी नाइस, तो ये भाई 18 की कलेक्शन आप लोगों ने देख लिया। सर क्रेटा की क्या पीसीडी होती है? क्रेटा की 114x5 होती है, 114x5 यानी कि 5 होल वाला होता है। तो ये तो हमारी 18 की कलेक्शन हो गई, 20 की क्या कलेक्शन है सर? एक बार 20 की कलेक्शन भी जो है, साथ में ये 20 शुरू स्टार्ट है। अच्छा ये पूरा 20, ये हमारी सारी गाड़ी में लग सकते हैं? नहीं, बेसिकली इसमें भाई 6 होल एंड 5 होल, ठीक है, डिफरेंट इसमें जो क्रेटा में लगेगा वो 5 होल लगेगा, क्रेटा में जो लगेगा वो 5 वो लगेगा, लेकिन कलेक्शन यही रहेगी सर? हाँ, कलेक्शन यही है, मोस्टली ऑल आर अवेलेबल फॉर क्रेटा। वेरी नाइस भाई, ये एक चीज आप लोगों को रिलायबिलिटी वाइज भी समझना चाहिए। और मेरा तो फेवरेट वो वाला है, वो देखो वेलो है ना, वो सर वो वाला लग जाता है सर क्रेटा में, वो जो लास्ट में पड़ा हो BMW वाला? बिल्कुल लग जाता है, बैठ जाता है, कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम देखेंगे वो गाड़ी पे लगा के पता लगता है। करेक्ट, ठीक है, कलेक्शन वाइज आप लोग जरूर यहाँ पर चेकआउट कीजिए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, अगर किसी भी तरीके की क्वेरी हो, नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं आप लोगों के लिए, मोंगा टायर्स के एक्सक्लूसिव है, वर्किंग आवर्स के अंदर अगर आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा रिस्पांस जो है इसके बारे में दिया जाएगा। एंड अगेन टीम जो है वो मोंगा टायर्स की जो है पूरी अच्छी तरीके से वर्किंग कर रही है, कलेक्शन वाइज आप लोगों को भी सब चीज़ें जो है समझ आ जाएगी। ये भी सर 20 है? अरे भाई साहब आप लोग देखो यार, आप लोग मतलब मैं वही कहता हूँ ना कि कोई क्वालिटी वाली चीज़, और ये बिल्कुल आप लोगों को जो क्रेटा का टाइप आता है वो पूरा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो अगर किसी को अपग्रेड इसमें भी करना है उसको ऑप्शन मिल जाता है। प्लीज़ बैजिंग्स के ऊपर मत जाइएगा, बैजिंग जैसे आपकी गाड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो कलेक्शन है वो आप लोगों ने देख लिया। सर बातचीत तो बहुत हो गई, अब बारी है एक बार गाड़ी की तरफ जाके चार चार अलॉय एक बार दिखाते हैं लगा के। यहाँ पर जो अलॉय व्हील्स हम लोगों ने डन किए हैं 20x22 वाले साइजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसा आप लोगों को बताया पूरा अच्छे से टायर भी लगा के दिखाएंगे कैसे क्या लुक देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर लोग जो है आप लोगों को फॉर्चुनर के अंदर ये लगा हुआ देखने को मिलता है, ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट प्लग होता है, प्लग एंड प्ले तरीके से चलता है। ये जो साइज है सर ये कितना इंचेस है? ये 20 इंचेस है सर। ठीक है भाई, 20 की एक बार आप लुक चेक कर लो, इसमें टायर कितने मतलब उसका प्रोफाइल का अच्छा जाता है? इसमें 50 प्रोफाइल 50 20। ठीक है, कंफर्टेबल रहता है? पूरा कंफर्टेबल। वेरी नाइस, और अगर आप लोग थोड़ा दूर से देखना चाहे तो अभी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और ये काफ़ी थार के बाद पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो भाई ये जो है हमारा 22 इंची के अंदर, ये 22 इंचेस का है। ठीक है भाई, इसमें 40 प्रोफाइल चलती है बेसिकली, 40 एंड 45। ठीक है, 40 एंड 45 चलती है। कैसा दोनों का मिक्सचर लग रहा है, कैसा दोनों का लुक लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अब जो हम लगाएंगे सर वो ये लगा के दिखाएंगे। ठीक है, इनमें थोड़ा सा कुछ ऑल्ट्रेशन करना पड़ता है, कुछ होता है ऐसा क्या? हर अलॉय में जो होता है कुछ ना कुछ गाड़ी के हिसाब से अल्ट्रेशन हो सकती है, ये नहीं होता इसमें हो इसमें ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हब्स का फर्क, ईटी का फर्क, सीबी का फर्क वो आता है, वो अल्ट्रेशन हम करवा के आपको गाड़ी पूरी प्रॉपरली रेडी करके देते हैं। वेरी नाइस भाई, ठीक है, तो अभी आप देखो भाई ये ऑन द गो आप लोगों को लगा के दिखा रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो एक नट भी लगा के दिखा सकते हो, भाई नहीं लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग लुक जरूर चेकआउट कीजिए। ट्रैक जो प्लग एंड वो था, ये ट्रैक वाली जो फिटिंग थी बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है, ये प्लग एंड प्ले है। ठीक है, अब एक दूसरा भी लगा के दिखा दो, एक हम ऐसे और यहाँ पर पीछे। ठीक है, ये वाला आप लोगों को लगा के दिखाते हैं कैसा आप लोगों को देखने को मिलता है। ये हमारा प्लाटी का अपना अलॉय है, ये प्लाटी का अपना, और ये क्रोम फिनिश का अलॉय है, दिस इज अमेरिकन क्रोम फिनिश, ये अमेरिकन क्रोम फिनिश है जो अभी न्यू लेटेस्टली टेक्नोलॉजी से आई है, ये वो वाली फिनिश है क्रोम की। अभी जब मैं आपको कार पे लगा के दिखाऊंगा तब आपको इसकी ऑन कैमरा आप लोगों के सामने हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, ये भी सर प्लग एंड प्ले है, डायरेक्ट फिट है ये 22 इंची के अंदर। सर इसमें अगर हम टायर लगाते हैं तो ऊपर टच होने की दिक्कत या कुछ कोई दिक्कत नहीं आती है? ठीक है, तो फॉर्च्यूनर का हम लोगों ने आप लोगों को बहुत बारी दिखाया भी है कि ऐसे ये होता है, ऐसे प्रोफाइल होता है, लेकिन पूरे अच्छे से समझाने का जो तरीका था वो आई गेस आप लोगों को समझ आया होगा, सर ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया। इसमें क्या होता है, अलॉयज की डीपनेस पे फर्क होता है, जो ईटी होती है उसमें फर्क होता है। अगर हम कहीं पे गलत साइज लगा दें
लाइक टायर का साइज जहाँ लगनी 40 चाहिए 45 प्रोफाइल लगा दे वहाँ पे टच होने की चांस होते हैं, फिर मड फ्लैप काटो ये काटो वो काटो दिक्कत रहती है, है ना। तो साइज अवेलेबल नहीं होते वो ऐसे काम कर देते हैं, फिर बाद में कस्टमर हरास होता है कि ये क्या हो गया गाड़ी। सही बात है भाई, ये चीज जो है सर ने आपको बहुत अच्छी बताई। फाइनली जो कस्टमर ने डन किया है वो है आप लोगों के 22 इंची के ये अलॉय व्हील्स, जो कि आप लोग अभी यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो। कैसा लग रहा है जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। इट लुक्स रियली रियली वेरी प्रॉमिसिंग, लेकिन जैसा बताया जो साइज रिकमेंडेड है वो 20 इंची है, लेकिन अगर आप 22 के लिए स्विच करना चाहे तो ऐसा कुछ स्टांस दिखेगा। गाड़ी की तरफ हम लोग आ चुके हैं अब, और अब हमारे पास जो गाड़ी है वो है क्रेटा, और इसमें हम लोगों ने जो डन किया है वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। 18 इंची में और 20 इंची के चॉइसेस हम लोग आपको लगा के दिखा रहे हैं। अब आपने चलते हुए बहुत बारी देखा है तो चलते हुए का बार बार दिखाने से आप भी लोग बोर हो जाओगे, लेकिन अगेन स्टांस कैसा दिखता है वो आप लोग शेयर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 18 जो है हम लोग आगे भी लगा रहे हैं, और मेरा भाई लगा के जो है वो थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएंगे, जिससे आपको एक हम लोग पूरा लुक चेकआउट करा सके। तो आप लोग देखो भाई, ठीक है, वो भी साइड से एक बार ही हटा देंगे भाई। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, उससे हमें जो है पता चलता है कि हमें कैसी कलेक्शन आप लोगों के लिए जो है लेके आनी है, ठीक है भाई। तो हमारे पास हर तरीके की गाड़ी की जो है वर्किंग होती है, अगर यहाँ पर आप लोग चेकआउट करेंगे। दिस अलॉय लुक्स सो नाइस, ये भी अपने से हुआ है भाई। हाँ। और अच्छा लग रहा है भाई, अट्रैक्टिव। वेरी नाइस, ये आप लोगों की ओल्ड वाली फॉर्चुनर है, ठीक है। और इसके अलॉय व्हील भी चेक कर लो। अब एक बार इसमें भाई 20 इंची लगा के दिखा दो, 20 इंचेस के एक बार चॉइसेस दिखा दो इसमें। जो ज्यादातर चलता है आजकल, जो काफी सारे लोग मांगते हैं वो है हम लोगों का ये, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना थार वाला फील आ जाता है। हाँ, ये कॉन्ट्रा डिजाइन बोलते हैं इसको हम लोग। तो मेरा भाई जो है वो हमें कॉन्ट्रा डिजाइन यहाँ पर चेक कराएगा लगा के, कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई ने यहाँ से उठाया और देखो भाई कॉन्ट्रा डिजाइन आप लोगों के लिए यहाँ पर पेश है। और ये सीधे भाई प्लग वाला है, प्लग एंड प्ले है, कोई छेद वेद कहीं से कुछ और ठोक ठूक के कुछ नहीं करना। देख लो भाई, भाई बैठा रहे हैं यहाँ पर, और इसकी पीसीडी वही है जो क्रेटा की है, ठीक है। ये आप लोगों की लग चुकी है, कैसा लग रहा है जरूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब दूसरा एलॉय लगा के दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। भाई ने सब हटा दिया, नटवट भी हटा दिया, कि जिससे आप लोगों को लुक देखने को मिल जाए। परफेक्ट है भाई, काफी बढ़िया और अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो एक बारी आप लोग कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज जरूर बताइएगा। ये 20 इंच के अंदर है, और इसमें टायर साइजेस क्या चलते हैं अगर 18 लगवाते हैं तो? अगर 18 लगवाते हैं तो 45-45 18 चलता है, 235-50-18 चलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेट एंड कितनी हमने प्रोफाइल दिखानी है उसके हिसाब से, लगता है। और 20 इंच अगर लगाते हैं उसमें 40 प्रोफाइल चलेगी, 40। और टायर साइज क्या रहता है? 275 भी आ जाता है, 255 भी आ जाता है, जो बढ़िया हो सबसे 75 रहता है सबसे बढ़िया, 275-40-20, ठीक है भाई। तो ये आप लोग चेकआउट करो, एक अलॉय जो है मेरा भाई चेंज करेगा, इसको चेंज कर दो भाई। और आप देख लो सीधे प्लग एंड प्ले तरीके से उतर रहे हैं, ऐसा नहीं इसमें कोई हब लगाना पड़ रहा है, कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। दिखाओ भाई, एंड देयर यू गो। और ये आप लोगों का पूरा आप लोगों को एक ईवी वाला फील भी दे रहा है, ठीक है। देखो भाई, और ये हमारे एक्सक्लूसिव प्लाटी के है, ठीक है। क्या आपका सोचना है इसके बारे में जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आज के लिए हमने आपको बहुत सारा जबरदस्त वाला कंटेंट दिया, तो आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना भाई। तो आई होप सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। मैं आप लोगों से जो है मेन चीज सल से जो मैं जानना चाहता हूँ, वो ये जानना चाहता हूँ कि भैया क्या हमारे पास एक छोटी गाड़ी, यानी जैसे ऑल्टो गाड़ी होगी, वैसे गाड़ी कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन अगेन अगर आप डायमेंशन वाइज देखते हो एक छोटी गाड़ी, नैनो मान लो, चलो नैनो तो वैसे बंद हो गई, लेकिन अगर एक ऑल्टो गाड़ी से लेके एक बड़ी मर्सिडीज GLS हो गई आपकी, तो उस तरीके के हमारे पास सारे अलॉय व्हील्स है। मैं बताता हूँ, आप नैनो भी छोड़ दो, आप मारुति 800 को ले लो या उससे भी पुराने को ले लो, उसके भी अलॉयज रेडीली अवेलेबल फ्रॉम 12 इंचेस टू 24-26 इंचेस टू टिल मस्टैंग ले लो, लैम्बर्गिनी ले लो, हर एक रेडी स्टॉक है सब में। वेरी नाइस भाई, ये सारा काम हुआ है मोंगा टायर्स में, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है।
वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है जरूर हमें लाइक शेयर कमेंट करके बताना। एलॉय व्हील्स जो है वो आपकी जान है, हमारी भी जान है, और हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है कि भाई एलॉय व्हील्स के साथ जुड़े रहना। पंजाब में आने का सबसे एक बड़ा रीज़न और एक सबसे अच्छा रीज़न ये है कि पंजाब के लोगों को टेस्ट है, एक अलग तरीके का टेस्ट है। ऑल दो हम लोग काफ़ी बड़े साइजेस देखते हैं पंजाब के अंदर, लेकिन शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है भाई, प्राइजिंग और हर चीज़ के लिए आप लोग मोगा टायर्स के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर में और एड्रेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं मुसाफिर 7811 लिख के। मोगा टायर्स का क्या नाम है? मोगा अंडरस्कोर टायर्स पे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहे संडे ड्राइव के लिए तो मुसाफिर कार्स लिख दीजिए। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे करते सर, बाय बाय।